दोस्तों आज के इस वीडियो में एक नॉलेजेबल एंड हेल्पफुल ट्रिक शेयर करने वाला हूं जो कि है गूगल ड्राइव के ऊपर। गूगल ड्राइव के ऊपर ऑलरेडी मेरे चैनल के ऊपर काफ़ी सारे वीडियो है, आप देख सकते हो। आपको जैसे कि पता है व्हाट्सएप पर अगर हम कोई भी डेटा शेयर करते हैं यानी कि वीडियो या फिर ऑडियो, तो 16 MB से ज़्यादा शेयर नहीं कर पाते। तो इन केस में अगर मान लीजिए आपके पास 500 MB का या फिर 1 GB, 2 GB, 5 GB या फिर 10 GB का एक डेटा है, वीडियो है या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट्स है, तो आपको भेजना है, शेयर करना है पब्लिकली या फिर आप प्राइवेटली भी शेयर कर सकते हो गूगल ड्राइव का यूज़ करके। गूगल ड्राइव फ्री में आपको यूज़ करने के लिए देता है 15 GB तक। आप 15 GB तक कोई भी डेटा अपलोड करके शेयर कर सकते हो आपके दोस्तों के साथ या फिर कोई भी ऑफिशियल पर्पसेस के लिए आप यूज़ कर सकते हो। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, मैं कंप्लीट प्रोसेस आपको दिखाऊंगा किस तरीके से 15 GB तक आप कोई भी डेटा अपलोड करके शेयर कर सकते हो, और जिसके साथ आप शेयर करोगे वो मतलब कोई साइन इन नहीं करके भी डाउनलोड करेगा, यानी कि कोई साइन इन करने की भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, कोई गूगल का भी ज़रूरत नहीं, मतलब जीमेल अकाउंट का भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ लिंक को आपको शेयर करना है और कोई भी ब्राउज़र में उस लिंक को ओपन करना है, डाउनलोड कर सकता है। और कैसे परमिशन देना है यानी कि रीड परमिशन, राइट परमिशन, तो बहुत सारी परमिशन है, तो मैं वो भी दिखा दूंगा आपको। सो वीडियो को एंड तक देखते रहिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे बता दो, गूगल ड्राइव के ऊपर ऑलरेडी वीडियो है, आप देख सकते हो मेरे चैनल के ऊपर। यहाँ पे यूट्यूब ओपन करके सर्च करना है गूगल ड्राइव ईटेक नॉलेज, और यहाँ पे फर्स्ट वाला जो वीडियो आएगा, ये वाला वीडियो आप देख सकते हो, व्हाट इज़ गूगल ड्राइव, हाउ टू स्टोर फोटोज़ वीडियो डॉक्यूमेंट्स, गूगल ड्राइव के ऊपर कैसे अपलोड करना है, डिटेल में बता दिया। 8 मिनट का वीडियो है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे हम जो देखेंगे अपलोड करने के बाद शेयर करना देखेंगे। सो यहाँ पे गूगल ड्राइव को ओपन कर लेंगे, और यहाँ पे गूगल ड्राइव को ओपन कर लिया, और यहाँ पे ओपन करने के बाद ओके, तो यहाँ पे ओके करना है, और यहाँ पे आप प्लस साइन में क्लिक करेंगे, और यहाँ पे अपलोड पर क्लिक करना है। तो आपके हिसाब से जो भी डेटा है आप सिलेक्ट कर लीजिए, वीडियो ऑडियो या फिर जो भी है, इमेज शेयर करना है, तो मैं ये वाला इमेज को अपलोड कर देता हूँ। सो दोस्तों यहाँ पे अपलोड हो गया, तो आपके केस में जिस भी डेटा को आप शेयर करना चाहते हो, यहाँ पे 3 डॉट पर क्लिक कीजिए, और यहाँ पे आपको आना है शेयर के ऊपर। तो यहाँ पे शेयर के ऊपर क्लिक करना है, इसके बाद जो ऑप्शन आएगा आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे सॉरी, फर्स्ट टाइम था इसलिए अलाउ कर दिया, यानी कि एक्सेस देना है। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो ऐड पीपल और ग्रुप्स, और यहाँ पे नीचे की तरफ है नॉट शेयर्ड हु एक्सेस, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे नीचे की तरफ दिखाएगा ओनली पीपल ऐड कैन ओपन विथ दिस लिंक, तो यहाँ पे चेंज करना है, चेंज के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे करना है व्यूअर, यानी कि आप परमिशन दे रहे हो। तो यहाँ पे सिर्फ व्यूअर का परमिशन देना है, एडिटर नहीं, क्योंकि अगर आप एडिटर कर देंगे तो इस लिंक को जो भी यूज़ करेगा, यानी कि लिंक को आप शेयर करेंगे और जो भी ओपन करेगा, ओपन करने के बाद कुछ भी चेंजेस कर सकता है आपके गूगल ड्राइव के अंदर। तो यहाँ पे करेंगे व्यूअर, और व्यूअर चेंजेस करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो अपडेटिंग दिखा रहा है, और यहाँ पे कॉपी लिंक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करना है, और नीचे की तरफ करना है कॉपी लिंक, और इस लिंक को आप व्हाट्सएप या फिर कोई भी पब्लिक डोमेन में आप शेयर कर सकते हो, जो भी आपका वेबसाइट है, कुछ भी है तो कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं गूगल क्रोम ओपन करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र को ओपन किया, और यहाँ पे लिंक को पेस्ट कर देता हूँ। ओके पेस्ट, और यहाँ पे करना है सर्च, और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो लिंक को सर्च करने के बाद यहाँ पे जो इमेज हमने शेयर किया था यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे डाउनलोड पर क्लिक करना है। एक बार दिखा देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो डाउनलोड का एक ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करना है, तो हमारा जो इमेज है डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। तो ओके डाउनलोड, ओके सो स्टार्ट हो गया डाउनलोड। यहाँ पे 3 डॉट पर क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ डाउनलोड्स पर, और देख सकते हो यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो डाउनलोड कंप्लीट हो गया, हमने जो इमेज शेयर किया था। तो कुछ इस तरीके से आप कोई भी डेटा को शेयर कर सकते हो, और कोई भी अगर उस लिंक को यूज़ करके डाउनलोड करना चाहता है तो कोई भी डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी साइन इन नहीं है, आप देख सकते हो, कोई भी जीमेल लॉगिन नहीं है, विदाउट लॉगिन डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस आपको दिखा दिया गूगल ड्राइव यूज़ करके किस तरह डेटा शेयर करना है, कैसे परमिशन देना है। गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, इसके ऊपर काफ़ी सारे वीडियो है चैनल के ऊपर, आप देख सकते हो मेरे चैनल के ऊपर, जस्ट सर्च कीजिए गूगल ड्राइव ई टेक्नोलॉज या फिर वन ड्राइव ई टेक्नोलॉज, तो आपको वीडियो मिल जाएगा। सो दोस्तों आपको दिखा दिया गूगल ड्राइव का यूज़ करके आप किस तरीके से डेटा को शेयर कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, अगर पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। मैं अमिताभ, अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।